नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इफेक्टिव नेचुरल कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी नीड है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी स्ट्रेस इंटोनेशन की, और उसके बाद किस तरह से फ्लुएंसी पे काम करने के लिए आपको बड़ी पार्टनर की ज़रूरत होती है, किस तरह से आप रोज डेली लेवल पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल स्किल है और प्रैक्टिकल स्किल बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर गैदर कर लूँ और जब भी इसको प्रेजेंट करने का मौका आएगा तो मैं फटाफट इंग्लिश में बोलती चली जाऊँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे किसी एक लैंग्वेज पार्टनर या बडी पार्टनर या फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी एक मेम्बर के साथ डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करूँ, ताकि मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाऊँ। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दो टिप्स जो आपको मदद करेंगी इफेक्टिव एफिशिएंट कम्युनिकेशन के साथ साथ फ्लुएंट कम्युनिकेशन के लिए। तो आप किसी भी भाषा में कम्युनिकेशन करें, ये दोनों टिप आपके बहुत काम आने वाली हैं। पहली बात करते हैं कि ये कम्युनिकेशन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होता है, इंटरैक्शन होता है। एक व्यक्ति अपनी बात रखता है, दूसरी व्यक्ति उस पर रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कल विद्यालय 6 बजे खुलेगा, वी आर गोइंग टू ओपन द शॉप एट 6 in the evening। उधर से मेरे को मैसेज आया, ओके आई विल बी देयर एट 6 in the evening टू शॉप, राइट। मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी, सामने से उसका कन्फर्मेशन मिला, कम्युनिकेशन इस्टैब्लिश, इन्फॉर्मेशन इस्टैब्लिश, राइट। तो जब भी कोई आपसे बात करे, ये दो चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको इसे ध्यान रखना है। कभी भी कोई व्यक्ति जब आपसे किसी भी भाषा में कम्युनिकेशन को इस्टैब्लिश करे, तो पहली आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू एक्नॉलेज दैट इनिशिएटेड कम्युनिकेशन, राइट। तो किसी ने आपको पूछा व्हाट इज़ योर नेम, इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस कम्युनिकेशन प्रॉबेबली आई वुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट इफ़ आई एम इंटरेस्टेड आई विल से आई एम आकांक्षा, राइट। आपने कई बार ट्रेन में, बसों में ट्रैवल किया होगा, प्लेन में ट्रैवल किया होगा, और आपने देखा होगा आपका ट्रैवल टाइम छोटा हो जाए, लोगों का टाइम पास हो जाए, तो आपसे धीरे से पूछते हैं आर यू गोइंग टू लंडन, अभी फ्लाइट लंडन जा रही है तो हम लंडन ही जाएंगे ना, बट दी अदर पर्सन इज आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिकॉज ही वॉन्टेड टू इनिशिएट अ कम्युनिकेशन विद यू। वो टाइम पास करने के लिए, आपसे बात करने के लिए इस क्वेश्चन की ज़रूरत है, वरना कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे उसको कनेक्ट करेगा, राइट। तो अगर मैडम भी इक्वल लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन या इक्वल लेवल ऑफ यू नो बोरियत फील कर रही हैं, तो मैडम बहुत प्यार से इनको जवाब देंगी, यस आई एम गोइंग टू लंदन, आर यू ऑल्सो गोइंग टू लंदन, राइट। तो इसका मतलब मैडम भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं कि अब इस कम्युनिकेशन को आगे किया जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कोई भी हमें कभी भी किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन को जब इनिशिएट करे, तो पहले नंबर पे हम उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज हम नॉन वर्बली अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन से आर यू गोइंग टू लंदन, राइट। सो आई डिडंट से एनीथिंग, बट आई जस्ट गेव अ जेस्चर विच कन्फर्म्स दैट आई एम गोइंग टू लंदन, राइट। दूसरी चीज़, जब भी कोई हमसे बात करे, तो उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, जो पीस ऑफ यू नो कम्युनिकेशन हमारे साथ इस्टेब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्स करें। तो जब भी कोई मुझसे बात करेगा, या तो मैं अपना इंटरेस्ट शो करूँ, मैं सरप्राइज हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, मैं उसको रिजेक्ट करूँ, मैं आर्ग्यू करूँ, डिसआर्ग्यू करूँ, मैं उस पर ओपिनियन दूँ, मैं उस पर अपना सजेशन दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली डिडंट लाइक दिस लेडी, शी इज सो हार्श, नो आई डिडंट बाय इट, she was beautiful lady with a great heart, how do you find that, right। तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप डिसएग्री हो सकते हैं। तो दो चीज़ें ये जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे और आप इक्वल लेवल पे इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ या नो नो नो। कई बार कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा लोग आपसे बात करते हैं और आपको क्योंकि ट्रांसलेशन में टाइम लग रहा है या फिर आपको पता नहीं आपको क्या बोलना है, तो आप कहते हैं या ओके, या आई अंडरस्टैंड, या दिस बिकम सो मोनोटोनस, राइट। और सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप इस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, रीज़न कुछ भी हो। तो जो लोग नए बिगिनर हैं, वो इस सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। तो इसे डील करने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये, आप छोटे छोटे फ्रेजेस याद करें एज इन अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, राइट, आई अंडरस्टैंड, ओके आई विल, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट, ओके, सरप्राइज, व्हाट अ नॉनसेंस,
राइट, छोटे छोटे फ्रेजेस याद करें, समझें और उनको प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज, जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करे, उसके लिए आपको किसी नई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बिगिनिंग में अपने कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए सामने वाले व्यक्ति ने आपसे जो कहा है उसी के बेसिस पे आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आई हैव अ वाइट शीट विच इज मेड अप ऑफ वाइट कॉटन, राइट। अब दूसरे व्यक्ति को अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइट कॉटन, राइट। तो आप इस स्टेटमेंट के ऑपोजिट में आपने एक क्वेश्चन रख दिया। अब इस क्वेश्चन का पहला वाला व्यक्ति आंसर देगा और इस तरह से कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये जरूरी है दैट वी विल हैव गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो दैट वी विल लर्न हाउ टू इंटरैक्ट। अदरवाइज ये वन वे कम्युनिकेशन बन के रह जाएगा। अगर एक ही व्यक्ति अपना पूरा इनपुट देगा, उधर से सही टाइम पे सही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन जल्दी खत्म हो जाएगा और इस तरीके से आप अपनी स्पोकन स्किल्स पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ ये दोनों टिप आपको मदद करेंगे। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी कोई आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाह रहा है और आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो पहली चीज़, जो भी आपसे बात कर रहा है उसकी की हुई बात को छोटे छोटे फ्रेजेस के थ्रू एक्नॉलेज करें, वर्बल एक्नॉलेजमेंट जरूर दें। या आई नो, ओके, यस, इज दैट सो, ओके, सरप्राइजिंग, आई अंडरस्टैंड। और दूसरी चीज़, जब भी वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे तो उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसको रिस्पॉन्ड करें, या तो क्वेश्चन पूछें या आंसर दें या ओपिनियन दें या सजेशन दें या रिजेक्ट करें या ऐड करें या आर्ग्यू करें या डिसआर्ग्यू करें। आपको किसी नई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ही नहीं तो ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इसको प्रैक्टिस में लाइए और डे टू डे लाइफ में अपने लैंग्वेज पार्टनर के साथ, अपने बड़ी पार्टनर के साथ इसको प्रैक्टिस करके देखिए। दिस इज सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू, राइट। दोनों चीज़ें दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। फर्स्ट, द वर्बल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, इट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली एंड टू मेक द रिस्पॉन्स यू नीड नॉट टू हैव अ सेपरेट और न्यू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सेंडर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। This is going to help you, I can bet you on that. आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें, छोटे बच्चों के साथ बात करें, बड़ों के साथ बात करें, अपने बड़ी पार्टनर के साथ बात करें, बाहर बात करें, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है बस उसी पे अपना रिएक्शन दे दीजिए और आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और धीरे धीरे कब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में पारंगत हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आशा करती हूँ ये आपको मदद करने वाला है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आपको अपने आप मिल जाए। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सफल रहें, लर्निंग को एंजॉय करें, ध्यान रखिए। नमस्कार।